हे दोस्तों, अगर आपने Realme Narzo 20 Pro परचेज कर लिया है तो आपको इस फ़ोन के लिए एक टेम्पर ग्लास भी ज़रूर से ले लेना चाहिए। और इस वीडियो में हम आपको टेम्पर ग्लास लगा करके दिखाने वाले हैं, जो ओरिजिनल वाला फुल स्क्रीन एज टू एज टेम्पर ग्लास है Narzo 20 Pro के लिए। वो टेम्पर ग्लास हमारे पास आ चुका है, किस तरह से लगाना है हर चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो अगर आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर लगाना कैसा है, तो बहुत ही आसान है लगाना। जी हाँ, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ बॉक्स ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे पहले वाइपर, वाइप वन, वाइप टू, और उसके बाद आपको टेम्पर ग्लास आपका मिल जाएगा। टेम्पर ग्लास को लगाना बहुत ही आसान है। अगर आपने कभी नहीं भी लगाया होगा तो बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा स्टेप फॉलो कीजिए, तो आप एक ही बार में लगा पाएंगे। तो लगाने के लिए सबसे पहले वाइप वन निकालिए और उससे अपने डिस्प्ले को अच्छे से साफ कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि आपके डिस्प्ले के ऊपर में एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा होता है, तो मैं कहूँगा कि उसे ज़रूर से रिमूव कर दीजिए। अगर नहीं भी रिमूव करते तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाँ, रिमूव कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कभी कभी टच रिस्पॉन्स में आपको इशू आ सकते हैं। जब आप वाइप वन से डिस्प्ले को अच्छे से साफ कर लेते हैं तो फिर आपको वाइप टू से अच्छे से डिस्प्ले को साफ करना है। एक गीला वाइप होता है और एक सूखा वाला होता है। पहले गीला वाला वाइप वन हुआ, फिर वाइप टू से जो आपका सूखा वाला ड्राई उससे साफ करना है। जब पूरा एकदम क्लीन हो जाए आपका डिस्प्ले, आपको सब कुछ आईने की तरह दिखने लगे, तब आपको टेम्पर ग्लास को हाथ में लेना है। और बैक साइड में स्टिकर है जी, हल्का सा पुश करेंगे तो स्टिकर जो अलग हो जाता है। ज़्यादा जोर से दम लगा करके, ताकत लगा करके नहीं निकालना है, प्यार से निकालिएगा, आराम से निकल जाएगा। जब आपका टेम्पर ग्लास का स्टिकर बाहर निकल जाता है तो आपके हाथ में आ जाएगा टेम्पर ग्लास। और टेम्पर ग्लास आप देख सकते हैं किस तरह से मैच करना है। आपको फोन के टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट मैच करना है। जी हाँ, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ दोनों साइड मैच कीजिएगा, और टॉप और बॉटम का पूरा ख्याल रखिएगा। जो एज है वो पूरा मैच होना चाहिए। जैसे ही आपका एज टू एज मैच होता है आपको डिस्प्ले पर टेम्पर ग्लास छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ेंगे कुछ ही सेकेंड में आप देखेंगे जो एयर बबल है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। अगर बाहर नहीं निकलता है तो हल्का हल्का उंगली से, अंगूठा से प्रेस कीजिएगा, वो बबल निकल जाएगा। अगर साइड में कहीं पर भी रह जाता है, हल्का सा टेम्पर को साइड से उठा करके अंगूठे से फिर से प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे जो भी बचा खुचा एयर होगा वो सब निकल जाएगा। तो लगाना बहुत ही आसान है। इसी तरह से अगर आप लगाएंगे तो आप भी अच्छे से अपने फ़ोन में लगा पाएंगे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं पूरा अच्छे से मेरे फ़ोन में फिट बैठ चुका है। तो गाइज, अगर आपको Realme Narzo 20 Pro के लिए ओरिजिनल वाला टेम्पर ग्लास लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। वैसे अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड टेक केयर।